गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन का बड़ा एक्शन, अवैध अस्पतालों और क्लिनिक पर कार्रवाई की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 170 अस्पताल और क्लिनिक, 20 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। 15 दिनों में नोटिस का जवाब देना होगा, जवाब नहीं देने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पताल और निजी क्लिनिक पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और क्लिनिक को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, जिसके बाद नोटिस का जवाब नहीं देने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास 50 बेड से ज्यादा करीब 53 अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और करीब 76 के आसपास ऐसे हैं जो हमारे 50 बेड से नीचे हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया उन सबके हम रजिस्ट्रेशन जारी कर चुके हैं। जिन पे कुछ आपत्ति है उनका भी चल रहा है, कुछ अस्पतालों के भी 50 बेड से ऊपर वालों के पदों में भी चल रहा है, तो उनके ऊपर फाइनल निर्णय समिति देगी जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चलने वाले अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिले में 170 ऐसे नर्सिंग होम, क्लिनिक और अस्पताल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है और उनका संचालन किया जा रहा है। ऐसे सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है। सीएमओ का कहना है कि आने वाले 15 दिनों में अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिले में 500 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन समय से करा लिया गया है, तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में गली मोहल्लों में खुले हुए वो अस्पताल जिनकी लापरवाही से अक्सर लोगों की जान जाती रहती है उन पर शिकंजा कसना तय हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।